तो बड़ी खबर बरू फाटक से आ रही है, जहां मिनी ट्रक में पलटने के बाद अचानक आग लगने से मिनी ट्रक पूरी तरह जल गया है। आग इतनी भयावह है कि ट्रक पूरी तरह लगभग जल चुका है। घटना के एक घंटे बाद अग्निशामक मौके पर पहुंचा है, जिसके द्वारा आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हादसे में सबसे बड़ी गनीमत यह रही कि जो चालक और उसका सहयोगी था, उसके गाड़ी से निकलने के बाद आग ने भयावह रूप लिया। फिलहाल अग्निशामक मौके पे है और आग को पे काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। टीना मित्तल ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। टीना जी, क्या है पूरा मामला? जी मैं बता दूं, बरू फाटक में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी सड़क दुर्घटना में सेंधवा से इंदौर की ओर जा रहे मिनी ट्रक में पलटने के बाद भयावह आग लग गई है और देखते ही देखते मिनी ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। प्रत्येक दर्शियों के अनुसार मिनी ट्रक में केमिकल भरा हुआ बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि मिनी ट्रक में सवार चालक और उसके सहयोगी संजू और दीपक, दोनों जो निवासी महेश्वर के हैं, गाड़ी पलटने के बाद वाहन से बाहर निकले, तब आग ने भयावह रूप लिया। फिलहाल दोनों घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। दुर्घटना के एक घंटा बीत जाने के बाद भी अब दामनों से फायर फाइटर मौके पर पहुंचा है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वाहन पूर्ण रूप से जलकर खाक हो चुका है, वाहन में केमिकल भरा हुआ बताया जा रहा है। जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीना मित्तल ने हमें बताया कि फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, वाहन में केमिकल भरा था, इसलिए लोगों में दहशत भी है। जो वाहन है ये सेंधवा से इंदौर की ओर जा रहा था और जो मेन रोड है उसके साइड में पलटा है और फिलहाल आग इसमें जल रही है।